उर्मिला को क्या हुआ है ये बताओ मुझे। कमर में दर्द रहता है, घुटनों में। कमर में और घुटनों में, सर में। कमर में, घुटनों में, सर में दर्द रहता है, तो फिर आप मनु भैया के पास क्यों आए? आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? डॉक्टर के पास गए थे, मनु भैया का बहुत बाद में पता चला, तब आया। अच्छा, तो डॉक्टर के पास नहीं गए हो? नहीं, पहले गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कुछ किया नहीं, मेरे पास क्यों चले आए? हाँ, कोई जैसे आराम ही नहीं हो रहा। जैसे ऑपरेशन नहीं किया उन्होंने कमर का? ऑपरेशन कराया है। कितने पैसे लगे होंगे आपके? देखो, मेरा जी सरकारी में है। अच्छा, लेकिन सरकारी में अगर नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई सेवा दी है? प्राइवेट वाले में तो जैसे 65,000 रुपया मांगे थे रेवाड़ी हमारे। अच्छा, 65,000 रुपये मांगे थे, और जो मैं 2 या 3 हॉस्पिटलों में पता करा, उन्होंने लास्ट में ये कहा कि भाई ऑपरेशन होगा, जो मैज पर ये गिलास रखा हुआ है, यदि आप गिलास को नहीं हटाओगे तो ये गिलास नहीं हटेगा। ये F5 जो नस के ऊपर एक जो गांठ है इसकी, L5, हाँ, वो गांठ कटेगी। गांठ काट दी? गांठ फिर उसके बाद में बेस में ले गया। हाँ, बेस में पहले दवाई चलती थी। आप आर्मी में थे? नहीं, मेरा लड़का है। अच्छा, एयरफोर्स में। तो वहाँ बड़ा डॉक्टर था, उसको भी यही कहा, बेटे बात ऐसी है, जो मैच पर गिलास रखा हुआ है, गिलास नहीं हटेगा तो बीमारी सही नहीं होगी। नहीं, एक साल गिलास हटाया डॉक्टरों ने, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन पर जब गिलास हट गया तो फिर कहाँ आए मनु भैया के पास? लास्ट में आए, जब पहले पता ही नहीं था आपका। नहीं, गिलास डॉक्टरों ने तो हटाया ना अपनी तरफ से? डॉक्टरों को हटा दिया। डॉक्टरों ने हटाया फिर भी दर्द नहीं गया? आराम नहीं है, कोई आराम नहीं पड़ा, एक रुपए का भी, एक धेले का भी नहीं पड़ा। आराम नहीं, उस तो पड़ना चाहिए, एक धेले का आराम तो पड़ जाना चाहिए। डॉक्टर ने इतनी बड़ी डिग्री ले रखी है, बढ़िया है कि पहले जैसे डीक मारे के जो गर्म पानी की बोतल लगा के जब डांटते थे। अच्छा, फिर और जैसे मेडिसिन दे रखी है और मेडिसिन खिला। क्या नाम आपका? उर्मिला को मैंने अभी हाथ लगाया, मैंने छुआ है आपको, आपकी कमर को छुआ, कहीं कुछ लगाया, कहीं कुछ मारा? नहीं मारा, कोई दवाई तो नहीं दी? नहीं थी। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे पास आए, सामने बैठे, मैंने दूर से जब किया आपका नाम पूछ के, यही बात है बाबू जी? हाँ जी, यही बात। मुझे दर्द बताओ, दर्द ढूंढो शरीर में, चलो वहाँ से चल के आओ, चलो तेजी के साथ जाना, तेजी के साथ आना। मुझे लगता है आप बीमार थे मन से, सबके मन में ऐसे बहम है, सबको सबको बहम की बीमारी है। बीमार नहीं है कोई भी, सबके दिमाग में बहम घुस गया है, डॉक्टर भी तो कहता है सबके दिमाग में बहम है कि नहीं? डॉक्टर भी कह देता है, जो आदमी को ठीक नहीं कर पाता डॉक्टर, जैसे उस लड़के को कह दिया तेरे दिमाग में बहम है, तुझे पानी पच ही नहीं सकता है। वो पानी वाला लड़का है, पानी वाला वो जो MBBS कर रहा है, जो नेपाल के पास से आए हैं, लेट आएगा वो, खुद डॉक्टरी कर रहा है लड़का। हाँ, ये बैठे तो यार आराम से सुन रहे हो, बोरे दोनों भाई यार। अब मैंने इशारा किया। अरे पानी सारा बाहर निकल गया, रह गया कुछ, अब तो पी रहा है। बहुत कम रह गया। वाह, तालियां भाई। अब जैसे ये दर्द दर्द करती रहेगी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर ने गिलास तो उठा दिया, लेकिन डॉक्टर ही एक टाइम में ये कह देगा इसको सिज़ोफ्रेनिया है, इसको भ्रम है। बैठ, डॉक्टर ये कहेगा इसको सिज़ोफ्रेनिया है। खड़ी भाई, बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो गुरुदेव मनु भैया की। दर्द कहाँ हो रहा था और कहाँ होता है? तो बाइक पे ले आए, अब कहाँ हो रहा है? थोड़ा सा मामूली सा, और घुटनों में? घुटनों में तो है ही नहीं है, कहीं बीमारी को बीमारा तो नहीं बना दिया है आपकी को किसी चीज में? इन्होंने आना है, बस आते रहना है, ये बात सोचना है। अब ध्यान से सुनो, ये जितने भी दर्द है आपको समझ में आ गया ना कैसे है? हाथ तो नहीं लगाया मैंने, इसका मतलब दर्द ही झूठे हैं। ठीक है, मैं जाप कर रहा हूँ ओम सम शनिश्चाय नमः ओम का, दर्द ही झूठे हैं। ये जो यही सारी चीजें हैं, इनको पितृदोष है, प्रेत दोष है, वो शरीर में धसा पड़ा है, पुराना है, तो वो एक बार में तो जाएगा नहीं। डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन कर लिया, डॉक्टरों के ऑपरेशन से नहीं गया, तो इसका मतलब आने की जरूरत तो है, इनको लेके आते रहना पड़ेगा। जब आपके टेस्ट कराया था, उन्हें क्लियर बताया था,
ऑपरेशन करवाने के बाद अब दर्द खत्म हो गया, दर्द तो खत्म नहीं हुआ, मेरा खाली सिर्फ उसी का दर्द है, कभी यहाँ बैठ जाता है वो बैठ जाता, इतवार को फिर मेरे ऊपर असर आ गया, यहाँ खड़ा खड़ा गिर दिया। इसका मतलब पूरे घर में रोग फैला हुआ है, एक नकारात्मकता का। अच्छा, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। जो मेरा बच्चा है जो एयरफोर्स में आईपीएस की तैयारी कर ली, दो बार रह गए, अब तीसरी बार फिर टेस्ट देगा, वह का सारा दिन सिर फटे जा रहा है, वो जयपुर से दवाई आ रही है उसकी, वो यही सारा फैला हुआ है। ठीक है ना, अगली बार बाबा कुछ भी है, लेकिन मेरा जितनी बार कहोगे उतनी बार आ जाऊंगा, मेरा ये रोग कटवा तो बिल्कुल मैं होता हूँ दुखी। अब समेटना चालू हो गया ना, अब ऐसे आज काफी हद तक कट जाएगा, ऐसा नहीं है दर्द नहीं होगा, दर्द होगा अभी लेकिन कट जाएगा। तो साड़ी लेके आया था मैं परसों, जो मेरी दो साड़ी आई थी, दो बार आए के आज नहीं जवाब दे रही, नहीं दो बार में रोग थोड़े निकट जाएगा, कौन कह रहा है? आपने सालियों को गलत बताया, आपने आना ही पहले खुद है, पहले खुद ठीक होगे तभी तो दूसरे को ठीक करवाओगे, एकदम से आप साली ले आए। खुद कहा जैसे मान लो उनके भी यही बीमारी बताई मेरी वाली। हाँ तो धसी हुई है बीमारी है ना, दो बार में कैसे ठीक हो जाएगी आप बताओ? डॉक्टर के दो बार में जाते हो, पाँच दिन की तो डॉक्टर बुखार की दवाई देते हैं, फिर भी कोई एक खुराक में ठीक हो जाता है, किसी का बुखार किसी का 10 खुराक में ठीक होता है, किसी का 1.5 महीने में जावे, किसी का 2.5 महीने में जावे, किसी का 2.5 महीने में चला भी जावे, कमजोरी छोड़ जावे। जाना ही नहीं था ना, आपने किसी का किराया लगवाना ही नहीं था। जो एक बुजुर्ग कहाँ गया, मैं वहाँ गया, हम भी चलेंगे, चलो नहीं और तो कोई भी कर लेगा, रुकेगा ठहरेगा तभी तो आराम होगा। पहली बार जब आप आते हो अपने लिए पूछते हो, बैठ के मैंने पूछ लिया मैंने कर दिया ना, मुझे पता है वो पीड़ित है, मैं बुला रहा हूँ ना, अपने आप उठा के बुला रहा हूँ, मैं 5 दिन से यही काम कर रहा हूँ लगातार, ठीक है, और जिनको बुला रहा हूँ उनको आराम है, ठीक है। एक बच्ची यहाँ बैठी थी, उसको पूछो आराम है कि नहीं है, तुझे भी आराम पड़ा होगा, तो तेरे पीछे अभी इसका किया इसको आराम पड़ेगा, हर हाल में पड़ेगा, और जिसका भी किया उसको आराम पड़ेगा ही पड़ेगा, हर हाल में पड़ेगा। मेरा तो जैसे सामने दिखाई दे रहा है, चले अभी देर में बाइक पर बैठा के लिया था, जैसे खड़ी तो है, इतनी देर से खड़ी है, थोड़ी देर से नहीं खड़ी है, कितनी देर खड़ी रहा और बिना बेल्ट के खड़ी है। बोलो शनिदेव महाराज की। अब आपको आने नहीं, मैंने तो आना है, मैं तो देखो अभी कहाँ दर्द रह गया, अब वो भी गायब हो गया, खड़े खड़े दर्द खरा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर? अरे वो पंखा भी तो चला दो भाई।